हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं क्रोशिया से डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। क्रोशिया का ये डिज़ाइन है, क्रोशिया से कितना अच्छा डिज़ाइन है। छोटे बच्चों के ब्लैंकेट बना लो, कार्डिगन बना लो, छोटे बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह में डाल लो और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिखाई देता है ये डालने के बाद। और सबसे अच्छी बात है, ये तीन रंगों में, चार रंगों में, किसी भी कलर में बना लो, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखो अब मैं कैसे बनाऊंगी इसको। देखो फ्रेंड्स, मैं अब चैन बनाऊंगी। 34 चैन बना रही हूँ मैं। 34 चैन बना ली है मैंने। अभी देखना, अभी एक चैन के बाद दूसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम एक, दो, तीन, चार, चौथी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फ्रेंड्स हमने डबल क्रोशिया बनाए। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम चार चैन के बाद, एक, दो, तीन, चार, चौथी चैन के बाद पांचवी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात हमने ये डबल क्रोशिया बना दिए। और फिर हम चार चैन के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार चैन के बाद हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम चार चैन के बाद फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनेगा। अब इसके आगे एक हम चैन बनाएंगे, उसके बाद फिर इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक,
दो तीन, तीन हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखो ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं जो हमने, उसमें से हम ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे लेके ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम आगे से एक बार देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने पीछे से डबल क्रोशिया बनाया, एक बार आगे से इसी वाले छेद में, ये देखो इस वाले छेद में यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक बार पीछे से इसमें से, एक बार आगे से एक बार पीछे से। इस तरह हमारा इसमें से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हमारे ये डबल क्रोशिया बने। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाया आगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, पहले पीछे से बनाना है, पहले पीछे से फिर ये आगे से ऐसे, फिर पीछे से बनाना है, फिर आगे से थोड़ा पीछे से बनाएंगे। एक बार फ्रेंड्स पीछे से लेके बनाना है, फिर एक बार आगे से। देखो फ्रेंड्स ये इस तरह ये बन जाएंगे, ये फूल से शुरू हो जाएंगे बनना। अभी आगे की लाइन, एक तो एक चैन बनाने के बाद फिर हम दो चैन बनाए, दो सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया। अब ये जो हमारा ये बनाया हुआ था इसमें से ऐसे करके
इस तरह बनाना है। देखो फ्रेंड, इसमें दो इसमें से बनाने हैं डबल क्रोशिया, और ये एक ये ऐसे करके बैक से लेके इसको इस तरह से ऐसे बनाना है। फिर ये ऊपर को है जो हमारा, फिर इसमें से ऐसे बनाना है। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह ये फूल हमारा बन जाएगा। इस लाइन में हमारे 13 फूल, टोटल 13 डबल क्रोशिया बनेंगे, और फिर यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा। एक, दो और तीन, इसमें सिंगल क्रोशिया इधर कम होते जाएंगे, यहाँ तीन बनेंगे। अब ये हमारा ये ऊपर को दिख रहा है, इसमें से ऐसे डाल के ऐसे बनाना है। हम क्या कर दो, देखो फ्रेंड्स, ये देखो फ्लावर की तरह ये बन गया है। आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखो फ्रेंड्स। अब ये जो हमारे बीच के ये छेद दिख रहे हैं, इनमें से हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे हम। इस तरह बनाने से हमारे ये देखो, ये पीछे की तरफ ये ऐसे लाइन बनती हुई आएगी, देखो फ्रेंड्स। ये बीच में जो हमारे सिंगल क्रोशिया है, इसमें से एक हमें बनाना है, ऐसे एक हमें इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद फिर हमारा ये डबल क्रोशिया में से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम पूरी रो हम बना के कंप्लीट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये देखो कितना सुंदर आया बनके।
अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। जैसे मैं येलो कलर लगाऊंगी, देखो फ्रेंड्स यहाँ से हम येलो धागा लगाएंगे, येलो वुलन से हम बनाएंगे। जैसे ये हमारा यहाँ से ये बीच साइड में यहाँ से हम एक ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम एक दो तीन के बाद दूसरे छेद में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब फ्रेंड्स देखना, ये जो हमारा ये बीच का सेंटर का है ना, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे ये लंबा सा खींच के डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पांच डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। दो तीन चार और पाँच, इसमें हमने ये पांच पांच डबल क्रोशिया बना लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर तीन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पूरा फूल नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे है, ये हमारा फिर इधर बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पांच बनाने हैं। और ये एक दो तीन, तीन छेद छोड़ के फिर इसमें सात सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने नीचे सात सिंगल क्रोशिया बनाए थे और पांच डबल क्रोशिया बनाए थे, वैसे ही हमें ऊपर भी ये रिपीट हो रहा है ये पैटर्न दोबारा से। ये देखो सात बन गए हमारे। अब हम यहाँ पे फिर वही सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरह ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से पैटर्न रिपीट हो रहा है, दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको वैसे ही जैसे नीचे मैंने बताया था वैसे ही बनाना है, इस तरह ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आता है, दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।